वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। जहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UPPCL ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के बारे में। जहाँ दोस्तों आप लोगों को जैसा पता ही है कि इसमें जो कुल वैकेंसी है वो 2296 है और इसका जो CBT परीक्षा जो एग्ज़ाम चला हुआ है वो 22 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम ये चलेगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को पता ही है कि इसमें विज्ञापन में बताया गया था कि जो इसकी जो है न्यूनतम संख्या के 3 गुना ही अभ्यर्थी टाइपिंग में बुलाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों जो इसकी विज्ञप्ति है ऑफिस असिस्टेंट की उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूनतम संख्या जो 3 गुना अभ्यर्थी ही टाइपिंग के लिए मतलब बुलाए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट लगेगी और 3 गुना कैंडिडेट ही लिए जाएंगे। जहाँ दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो 22 सितंबर से और 24 सितंबर जो आपका CBT परीक्षा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम चला हुआ है उसमें कैंडिडेट सिर्फ आपके 44 से 50% ही आपके जो कैंडिडेट है वो जो है उसमें अटेंड कर रहे हैं एग्ज़ाम को, यानी कि 50% जो कैंडिडेट है वो एबसेंट भी चले हुए हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है अगर आप लोग चाहते हैं कि 8 गुना या 10 गुना जो है अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाया जाए तो आपको क्या करना है कि आपको 24 अक्टूबर को आयोग में चलना है। जी हाँ दोस्तों ये विज्ञप्ति एक बार इसको पढ़ लेते हैं आप कि उत्तर प्रदेश से विद्युत सेवा आयोग आप सभी को सूचित किया जाता है कि 24 अक्टूबर को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच आप आयोग लखनऊ पहुँचे। हम लोग आयोग पर पहुँच कर अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं कि टाइपिंग के लिए 3 गुना न बुलाकर 8 गुना या 10 गुना बुला जाए। जी हाँ दोस्तों ये बब्बू भाई अपने जो उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग का पर आप जो है 24 अक्टूबर को चले वहाँ पर 8 गुना या 10 गुना की अभ्यर्थी की टाइपिंग के लिए बुलाए जाने की मांग किए, जिससे कि जो है भर्ती जो है कंप्लीट हो सके, यानी कोई भी वैकेंसी खाली ना रहे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आधुनिक सेवा चयन आयोग व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जितनी भी भर्ती है उनमें जो अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं वो 8 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने के बाद भी 2 गुना से भी कम अभ्यर्थी जो है टाइपिंग में क्वालिफाई होते हैं। आप सभी को जैसा पता ही है इसमें जो हिंदी की आपकी जो होगी कुर्ती 10 पर या फिर कुर्ती 16 पर आपकी जो है 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो है स्पीड मांगी हुई है, ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही जो है मुश्किल पड़ जाता है। जिसकी जो प्रैक्टिस में है कंटिन्यू वो इसको कर पाता है, इसीलिए जो है अभ्यर्थी इस चाह रहे हैं कि 8 गुना या 10 गुना कैंडिडेट जो है इसमें आयोग 24 अक्टूबर को जो है आयोग चले और अपनी मांग रखे, जिससे कि 8 गुना और 10 गुना अभ्यर्थी को टाइपिंग में बैठने का मौका मिले, जिससे कि जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो सके, यानी वो पूरी हो सके ना कि खाली रहे। अभी जो है अगर मान लेती 3 गुना कैंडिडेट ये बुलाते हैं तो वैकेंसी उससे क्या होगा कि खाली रह जाएगी, खाली रहने पर वो वैकेंसी नेक्स्ट टाइम में निकालेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे ही पेंडिंग पड़ी रहेगी, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसीलिए आप आयोग चले, हमारे साथ रहे, आयोग जाकर जो है मांग रखे कि 8 गुना या 10 गुना कैंडिडेट बुलाया जाए। अगर आप सभी इकट्ठे होकर एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे, तो आपकी जो है 8 गुना या 10 गुना कैंडिडेट जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि आयोग आप हमारी बात सबकी मानेगा, क्यों, क्योंकि कैंडिडेट जब इकट्ठा होकर सभी चलेगा अपनी राय रखेंगे तो वो जरूर इस पर विचार करेगा और वो देखेगा कि आधुनिक सेवा चयन आयोग व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जितनी भी जो टाइपिंग होती है उसमें 8 गुना विद्यार्थी ही बुलाए जाते हैं और फिर भी जो है 2 गुना कम विद्यार्थी उसमें पास होते हैं। तो इसीलिए जो है आप सभी 24 अक्टूबर को 12 से 2 बजे के बीच जो है आयोग पहुँचे और वहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग बनाए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए और बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आप पहले ही बार हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार विजिट किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ बाबा हमेशा ऐसी ही हम आप सभी कैंडिडेट के साथ है और ऐसी ही हमेशा वीडियो लेकर आता है। गवर्नमेंट रिलेटेड जितनी प्रकार की वीडियोज है, इश्यूज है, वो सभी लेकर आता है। तो बने रहे हमारे चैनल पर, मिलते हैं कोई अच्छी वीडियो, तब तक जय हिंद।